दोस्तों, आज जो ये पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पौधा हर किसी के घर में होता है और इसको कहते हैं, इसको लगाने से जो अगर किसी घर में लगा हुआ है और अच्छी ग्रोथ कर रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उस घर में सुख समृद्धि बने रहती है और वहाँ लक्ष्मी की मतलब पैसे की कभी कमी नहीं रहती है। तो ये पौधा है मनी प्लांट, इसका नाम ही मनी प्लांट है, आप देख के वैसे भी समझ गए होंगे। तो इस पौधे को आप अगर नर्सरी से ला रहे हैं या आपने घर में लगा रखा है और अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके मैं आपको टिप्स बताऊंगा कुछ इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और तो आप वीडियो में बने रहिए, जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं वे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए, जो मनी प्लांट का पौधा है आप लगा रहे हैं कोई गमले में, या कई लोग इसको पानी में ग्रो करते हैं, पानी में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है, लेकिन इसका जो पानी जो में हम ग्रो करते हैं तो पानी को 5-6 दिन में चेंज करना पड़ता है, नहीं तो उसमें फंगस या कोई उसमें कीड़े लग जाते हैं पानी में। इतने दिन के अगर बासी पानी रहेगा तो उसमें कीड़ा लग जाता है। तो आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर के बाहर अगर शेड वाला ही जगह है तो वहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको धूप में लगाएंगे तो ये धूप में ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसको सबसे पहले देखिए, आप कोई अगर मनी प्लांट का पौधा लगा रहे हैं तो उसके लिए आप जो पॉट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पॉट मिट्टी का होना चाहिए। अगर प्लास्टिक का है तो, क्योंकि गर्मियों में अगर प्लास्टिक में लगा रहे हैं हम इसको, प्लास्टिक के गमले में इसमें इसको जो ऑक्सीजन वगैरह मिलती है वो नहीं मिल पाएगी मिट्टी, क्योंकि इसकी हार्ड हो जाती है प्लास्टिक के पॉट में। मैंने ये सीमेंट के पॉट में लगा रखा है, देखिए सीमेंट का पॉट है, लेकिन जो मैंने इसकी मिट्टी बनाई है, मिट्टी बहुत जो है पोरस बनाई है। मिट्टी पोरस बनाने से क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन हमेशा बने रहती है, तो उससे पौधा अच्छे से ग्रो करता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, इसको ये मनी प्लांट के पौधे को मिट्टी में लगा रहे हैं तो किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। इसमें जो मिट्टी है उसमें रेता या बालू जो भी है वो मिट्टी में मिक्स करके आप उसमें लगाइए। इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, देखिए जैसे इसमें रेता बालू सब मिक्स है, इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। क्योंकि जो जो पौधा है इसमें अगर हम खाली हार्ड मिट्टी लगा देंगे जिसमें रेता नहीं होगा तो ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसको आप मिट्टी तो इसमें इस प्रकार की यूज करनी है, और इसमें इसको लगाने के बाद आप इसको जो इसमें खाद देते हैं उसमें हल्की सी अगर आप गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला दें तो उससे ये अच्छी ग्रोथ कर लेगा, और ये पौधा जो है ग्रोथ करने के साथ साथ इसमें जो पत्तियां हैं वो भी अच्छी आएंगी। अब इसकी बात करते हैं, इसको जो ये मैंने देखिए ये लगा रखा है स्टिक, मॉस स्टिक, आप मॉस स्टिक जो है ये इसमें लगाएंगे तो ये पौधा ग्रोथ करेगा। मॉस स्टिक इसलिए लगानी ज़रूरी होती है क्योंकि इसकी जो ये रूट्स निकलती हैं साइड की, इनको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा और ये ज़मीन में ऐसे ही फैलते रहेगा। ये जो रूट्स होती हैं इसको पकड़ने के लिए ये मॉस स्टिक होती है, ये रूट्स देखिए ऐसे अगर इसको लगाएंगे तो ये रूट्स जो है इसमें फंस जाएंगी और ये इसको अच्छे से पकड़ लेगा और ग्रोथ जो है ऊपर को बढ़ते रहेगी। इस प्रकार से देखिए, मैंने कुछ एक हफ्ता ही हो रहा है अभी ये मॉस स्टिक घर में बना रखी। इसको आप घर में बना सकते हैं आसानी से, कोई भी आप प्लास्टिक का एक पाइप लीजिए या कोई एक डंडा लीजिए, उसमें आप ये टाट या बोरा जो आता है इसको लपेट के, अच्छे से लपेट के इस प्रकार से लगा देंगे तो ये मॉस स्टिक आपकी तैयार हो जाएगी। मॉस स्टिक लगानी ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि अगर पौधा मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ कर रहा है तो ये ऊपर को करेगा, तो ये जो इसकी जड़ें हैं इसको पकड़ने के लिए मॉस स्टिक लगानी ज़रूरी होती है। और इसमें हम मॉस स्टिक में पानी देते हैं या खाद देते हैं, कोई भी चीज़ इसमें देते हैं, तो उससे जो ये इसकी जड़ें जो इसको पकड़े रहती हैं वहीं से इसका भोजन बनता है और इसकी वहीं से ग्रोथ स्टार्ट होती है। एक तो ये हो गया मॉस स्टिक को लगाने का कारण। और इस पौधे की ग्रोथ बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जो होता है कैल्शियम की कमी रहेगी तो ये पौधा कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, और इसकी जो स्टेम होगी वो पतली रहेगी, क्योंकि अगर स्टेम पतली रहेगी तो पौधा ग्रोथ भी नहीं करेगा। स्टेम मोटी करने के लिए इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। कैल्शियम के लिए आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, ये देखिए कैल्शियम के लिए इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ है आपको मार्केट में कहीं भी जो कॉपी किताब की दुकान होती है, बुक सेलर होते हैं, वहाँ मिल जाएगा। इसको कहते हैं चौक, चौक जो होती है हमने बचपन में भी यूज कर रखी है स्लेट में, तो ये चौक में जो कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, इस चौक को आप यूज करेंगे। इस प्रकार से देखिए, आप मनी प्लांट जो लगा रखा उसमें इस चौक को इस प्रकार से मिट्टी में ऐसे करके
लगा डाल देंगे, ये चौक पानी से जो है घुल जाएगी और पौधे की जो मिट्टी में पूरी फैल जाएगी और पौधे की जड़ें इस चौक से जो कैल्शियम है वो लेकर अच्छी ग्रोथ करेंगी। एक तो इसकी खाद का भी बता दिया मैंने आपको, और इसमें जो कैल्शियम की कमी होती है उसको दूर करने के लिए आप चौक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कई लोग अंडे के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉन वेज होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो अंडे के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कैल्शियम की कमी के लिए। और सब एक एक चीज़ और देखिए, ये पत्ते देखिए, जैसे इसके पत्ते जो ख़राब होते रह रहे ये कीड़े ने खाए। देखिए ये जो कीड़ा जो होता है ये मनी प्लांट या कोई भी पौधों में आजकल ये गर्मियों के टाइम में इस समय लगता है, ये रात को जो है निकलता है और ये पत्तों को खाकर फिर ज़मीन में चले जाता है। ज़मीन में जाकर फिर तुम्हें दिन में तो दिखाई नहीं देगा ये, क्योंकि ये रात को खाकर फिर ज़मीन के अंदर चले जाता है, जो मिट्टी होती है आपने लगाई है इसी के अंदर चले जाता है। ये पत्तों को बिल्कुल ख़राब कर देता है, उससे आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती। इसके लिए आप एक उपाय करेंगे, उसमें वो उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं से भी जैसे कोई लकड़ी अकड़ी जलाते हैं या कोई कहीं पर को कुछ राख हाख मिलती है कहाँ जाए, कहीं भट्टी अट्टी में या कहीं भी, या आप घर में ही लकड़ी का यूज करते हैं जलाकर, तो ये देखिए ये राख अगर आप पौधे में इस प्रकार से ऐसे ऐसे डाल देंगे इसकी मिट्टी में, हर 3-4 दिन में अगर ये राख डालते रहेंगे तो वो कीड़ा जो है ज़मीन में ही मर जाएगा। वो उससे आपके पौधे की जो है नुकसान नहीं होगा, पौधे में भी डाल सकते हैं आप, पौधे में भी छिड़क सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने पत्तों के जो ये मनी प्लांट का पौधा है इसके पत्तों को बचा सकते हैं, उससे आपकी ग्रोथ पौधे की अच्छी होगी। इन पत्तों को पहले तो आप निकाल दीजिए, जितने पुराने पत्ते होते रह रहे हैं, जितने पुराने पत्ते खराब हुए हैं उनको आप निकाल दीजिए। और आपको अगर पौधा थोड़ा सा घना बनाना है, थोड़ा सा और घना बनाना है, अच्छा सा इसको डिजाइन देना है, तो उसके लिए आप देखिए जैसे नई ग्रोथ आ रही की, ये यहाँ से नई ग्रोथ आ रही की, इसको आप इसको पिंच कर देंगे, इस प्रकार से तोड़ देंगे तो यहाँ से 2-3 ब्रांच और आ जाएंगी, उससे आपका पौधा घना होते रहेगा। जितने भी आपकी नई ग्रोथ दिख रही है कहीं पर को, वहाँ से देखिए मैंने यहाँ से पिंच करा था, ये यहाँ से तोड़ा है, तो यहाँ से दो, ये देखिए 2 ब्रांच अलग से आ गई हैं। इस प्रकार से आप पौधे को घना बना सकते हैं। और पौधे को सपोर्ट करने के लिए जैसे मैंने ये बांध रखा है, आपको देखिए तागे से बांध रखा, इस प्रकार से आप इसको ऐसे बांधते रहेंगे, जैसे पौधे की ये नई ब्रांच आ रही की इसको आप ऐसे लगाकर ऐसे बांधते रहेंगे तो ये पौधा ऊपर को ग्रोथ करेगा और पौधा आपका घना हो जाएगा। इस प्रकार से आप मनी प्लांट कहीं भी कोई भी पॉट में लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने मनी प्लांट जो है ये कटिंग से ये ग्रो करा था, ये मैंने इसकी कटिंग 2-3 नोड लेकर, जैसे ये पौधा है इसकी 2-3 नोड यहाँ से लेकर इसको मिट्टी में लगाया था। ये देखिए मिट्टी में, रेते वाली मिट्टी है, रेते वाली मिट्टी में लगाएंगे तो अच्छी ग्रोथ करेगा। रेते वाली मिट्टी में लगाकर ये रखा था, देखिए इतने अच्छी ग्रोथ कर दी है इसने। अब इसको मैं नया पौधा बनाऊँगा और नए पॉट में लगाऊँगा इसको। इस प्रकार से आप नए नए पौधे बना सकते हैं मनी प्लांट के। अगर आपको जैसे कई लोग होते हैं कि 3-4 पौधे रख लेते हैं मनी प्लांट के घना बनाने के लिए, अपने गार्डन को अच्छा बनाने के लिए, हरा भरा करने के लिए, तो आप भी इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए, और आपने अपने मनी प्लांट की अच्छे से केयर करेंगे तो आपके घर में भी सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। धन्यवाद।